नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना, ENT सर्जन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, यानी टनाइटिस। कानों में जो शान शान टींटी की आवाज़ें आ रही हैं, दिस थिंग ऑफ अनऑर्गनाइज्ड साउंड इन द ईयर, ये टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ। जैसे बिंडा बोलता है, टींटी है, या पंजाबी कहते हैं पत्तियां जिस खड़ाक आती है, रसलिंग लीव्स, स्टीमिंग कैटल, या वो कैटल है उसमें से शू शू के पानी की आवाज़ आ रही होती है। ये मरीज क्या है, ये बेचारा परेशान मरीज है, उसकी रातों की नींद, दिन का चैन हो जाता है। जब बल्कि रात होती है तो ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वजह यह है कि रात को जब TV भी बंद हो जाता है, लोग भी बंद हो जाते हैं, उसके बाद जब बेचारा बेड पर लेटता है तो उसका शोर शराबा और बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। किताबों में इसकी कोई मसल दवाई, कोई इतनी अफेक्टिव सर्जरी नहीं बताई गई। मैंने टनाइटिस के सिलसिले में आई वेंट टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्पेशल गया था, आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। पाकिस्तान में आई वॉज द ओनली पर्सन। वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस थी हमारी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओरल HNS की मीटिंग होती, जो 190 मुल्कों से डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकट था ENT के डॉक्टरों का, जहाँ पर यही बात हुई कि टनाइटिस को हमने कैसे हैंडल करना। काफ़ी डिस्कशन हुई, उसके लिए मुख्तलिफ सिचुएशन है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, मैंने वहाँ पर देखा कि टनाइटिस क्लिनिक और बैलेंस क्लिनिक भी बने हुए हैं। इधर भी बात की, उधर भी उन्होंने कहा कि इसके लिए मास्किंग डिवाइस, हमारी जो वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मास्किंग डिवाइस डिस्कस हुआ। फिर मैंने उसके लिए प्रैक्टिकली विजिट किया, उधर ही मैनहट्टन में क्लिनिक है, टनाइटिस एंड बैलेंस क्लिनिक। उन्होंने फिर ये इस तरह का ये एक मास्किंग डिवाइस के लिए जिक्र किया, जो फिर आज ये 4 साल पहले की बात है। पिछले 3-4 सालों में सैकड़ों मरीजों को ये लगाया। मेरा ख्याल है कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि यह जब लगा दें, एक तो पेशेंट की जो है वो बहरापन भी ठीक हो जाता है। ये बहुत इट वर्क्स इन बोथ वेज। वो शोर शराबा भी कम हो जाता है, जैसे बच्चा रो रहा है उसकी माँ उसको थपकी देती है तो बेचारा काम हो जाता है। इट काम्स डाउन द एजिटेटिव नर्वस सिस्टम, कार के अंदर जो एजिटेशन हो रही होती है ना, शोर शराबा, ये मास्किंग डिवाइस जब हम लगा देते हैं, इट कीप्स द पर्सन कम्फर्टेबल, रात को उसको नींद आ जाती है। जैसे रात को कोई आप छोटी मोटी टैबलेट ले लेते हैं अगर नींद नहीं आती, तो ये तो उसका तो जो साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये मैं जिम्मेदारी से करता हूँ, रात को लगा रही है ऐसे करके पेशेंट इज कम्फर्टेबल। सुबह के वक्त भी खैर ये पूरा एक साइंस है, एक डॉक्टर को लगानी चाहिए। हर आदमी नहीं कि वहाँ से मास्किंग डिवाइस ले रहे, उठा के दुकान में लगा रहे रात को। इट्स नॉट लाइक जैसे एक कॉटन प्लग के भाई आप लगाएं। यू नीड द सुपरविजन ऑफ ENT स्पेशलिस्ट। हाउएवर टनाइटिस के ऊपर फिर फर्दर जो थी हमारी ENT कॉन्फ्रेंस वो मिस्र में हुई, तो उसके में भी इजिप्ट में उन्होंने कायरो में इसके ऊपर काफ़ी बार वर्क किया। वहाँ उन्होंने कहा कि इसको सर्जरी की तरफ ना ले जाए, सर्जरी का कोई खास फायदा नहीं होता। द रिजल्ट ऑफ सर्जरी इज ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग इन द केस ऑफ टनाइटिस, डोंट गो नियर दैट। अब बाकी रह गया मरीज जो है उसको आपने मास्किंग डिवाइस दे देना कान में, और बाकी कुछ जो भी है उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उनको ट्रीट करें, ट्रीट देन अकॉर्डिंगली। फिर हमारी जो अगली कॉन्फ्रेंस थी जिसको मैंने पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया, और मैं वहाँ पर SAARC ENT बॉडी का प्रेसिडेंट भी था, दैट इज़ इन इंडिया न्यू दिल्ली। मुझे उन्होंने फिर SAARC का अल्लाह की मेहरबानी से इफ्तिताह का भी मौका दिया, फिर SAARC ENT कॉन्फ्रेंस को आई इनॉग्रेटेड। फिर मुझे साइंटिफिक सेशन को चेयर करने का मौका भी मिला, वहाँ पर दिल्ली में जो अशोका होटल में पहला साइंटिफिक सेशन था उसको मैं आई चेयर, मेरे साथ उनके मेडिकल कोर के हेड एडमिरल VK सिंह, DG आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज वो भी बैठे हुए हैं, ENT के उनके जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के इंडिया के वो भी बैठे हुए हैं। वहाँ भी उन्होंने कहा कि ये बड़ी न्यूसेंस है, दिस टनाइटिस इज ए न्यूसेंस, अब इसको मिनिमाइज करना। जैसे किसी को नज़र कमज़ोर हो गई, भाई उसने थोड़ी सी ऐनक लगा ली, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई। ये ऐनक लगाना कोई जुर्म तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि इससे हेल्प, जैसे एक आदमी चल नहीं सकता, बुजुर्ग को आपने लाठी दे दी तो ठीक है वो अपना चलता फिर रहे, इसी तरह नज़र कमज़ोर हुई ऐनक, इसी तरह अगर तो उसको जो मूवमेंट टनाइटिस होता है शोर शराबा, उसको सुनना भी उसका मसला हो जाता है। ये जो है टू वे काम करता है, इससे मास्किंग इफेक्ट होता है उस जो शोर शराबे को, और साथ उसकी हेयरिंग भी बेहतर हो जाती है।
यानी एक टिकट में दो मजे वाली बात है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये मास्किंग डिवाइस एक लेटेस्ट चीज़ आई है, ये इफेक्ट कॉन्फ्रेंस मलेशिया में थी, मैंने अल्लाह की मेहरबानी से कुआलालंपुर में भी रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर ही उन्होंने कहा कि भाई डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द पेशेंट, अगर उसको सूट करता है, यानी हर मरीज नहीं हर शख्स उठा के नहीं लगा सकता, उसको पहले टेस्ट करें, अगर वो प्रॉपर है तो उसको मास्किंग डिवाइस देते। ये कुआलालंपुर में थी, वहाँ पर डेफनेस के लिए भी मैंने काफ़ी सेशन जो थे उनको प्रिजाइड किया, एंड पे उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी हियरिंग फॉर ऑल, सुनना सब के लिए। ये उनके जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नाना वाज असाइंड द ड्यूटी फॉर हियरिंग फॉर ऑल प्रोग्राम, हियरिंग फॉर ऑल प्रोग्राम उन्होंने वहाँ से शुरू किया, एंड ही दे असाइंड द ड्यूटी फॉर पाकिस्तान। उसके ऊपर मैंने काम किया, लोगों को अवेयरनेस दी है, मेडिकल फ्री कैंप्स किए हैं पाकिस्तान में जगह जगह, ये हमारा सहारा ट्रस्ट में फ्री मेडिकल कैंप, इब्राहिम हक साहब का हॉस्पिटल है ये देखे, मुझे उन्होंने रिसीव किया, साथ उनके मेजर इब्राहिम हक साहब भी हैं, साथ ही उनके डीसी नारोवाल भी हैं, फिर वो मुझे हॉस्पिटल में ले गए, इंतहाई अच्छा हॉस्पिटल, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, इतने दूर दराज इंडियन बॉर्डर के करीब नारोवाल में ये जो सुबरा शफी हॉस्पिटल है ये वर्स्ट सीइंग है और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हाउएवर मेरे लिए उन्होंने पहले से ऐलान करवाया हुआ था कि यहाँ फ्री मेडिकल कैंप होगा, सुबह ही मेरे पास को गुजरात से, कुछ सरगोधा से, कुछ मंडी बहाउद्दीन से, वो गुजरा वाला से कहा, वो 100-150 मील से लोग सुबह ही आके 5 बजे बैठ गए, मैं 11 बजे गया, मैंने खैर 150-200 मरीज़ देखे हैं, कुछ को मैंने आला और आला भी मैंने उनको फ्री लगा दिया। देखो उसमें से अगर एक मरीज को भी फायदा हो गया, ठीक हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान में फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए हैं, फिर लोगों के मैंने ऑपरेशन भी किए हैं, लोगों को आला भी दिया, ये मतलब आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द डेफनेस। और मुझे ये 40 साल हो गए, पहली कॉन्फ्रेंस में जब मैं ज़ियाउर हक साहब को इस सिलसिले में मिला, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारी पहली कॉन्फ्रेंस की, मेरे साथ वो बैठे हुए हैं, उसमें भी हमने ऐलान किया था कि वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द डेफनेस। थैंक यू।